हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। मैं पुनः आपके साथ एक नए ब्लॉग में। मेरा नाम है विकास भट्ट और आज नहा धो के तैयार हो चुके हैं और अभी जो समय है वो 11:30 हो चुकी है। तो आज काफ़ी देर बाद ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो आज सुबह से मैंने अचार बनाया जो कि करेला का था और मिक्स अचार था जिसमें गोभी और गाजर, नींबू, वो सब नींबू तो नीलम ने काट के रखे थे और गाजर मैंने स्टोर करके रखी हुई है। तो मैंने कल रात को गोभी काट के उसे बॉयल करके और सुबह सुखा उखा के और सुबह 1 घंटा उसे धूप में रखा और उसके बाद अब उसका अचार डाल दिया है। और रात को ही हमने करेले भी काट दिए थे पूरे, वो थे लगभग 13 किलो के लगभग, वो लगभग थे 13 किलो और जिनको काट के सुबह मैंने तो रख दिया अंदर। चलो आपको ले चलते हैं। और अभी मैंने गाजर सुखाने के लिए रखी है तो आपको अभी गाजर दिखाता हूँ। और नीलम तोड़ रही है मिर्च जो कि मैं मिर्च लाया था तो उसका भी हम अचार डालने वाले हैं। तो मिर्च तोड़ रही है नीलम, वो भी दिखाता हूँ। सुबह पापा ने और नीलम ने साथ में तोड़ा था, अभी पापा जी किचन में है तो नीलम अभी मिर्च तोड़ रही है। तो चलो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर गाजर रखी हुई है और लगभग इसका पानी निकल चुका है, जितना मुझे निकालना था वो लगभग निकल चुका है। और अब चलते हैं अंदर। तो अंदर यहाँ पे नीलम मिर्च तोड़ रही है। सुबह इन्होंने काफ़ी मिर्च तोड़ी और साथ साथ में यहाँ पे टीवी भी देखी जा रही है। तो पता नहीं कौन सा सीरियल आया, मन सुंदरी, मन सुंदर और सुंदरी सुंदर जो भी है। और यहाँ पे एक टब ही मिर्च सुबह पापा ने नीलम तोड़ी, रात को ये मिर्च पापा जी ने तोड़ के रखी हुई है। और ये गोभी का अचार यहाँ पे तैयार है। और यहाँ पे ये नींबू का अचार है। तो अभी इनको खुला रखा हुआ है क्योंकि इनमें मिर्च उर्च अभी डाली तो थोड़ा हवा इस पर लग जाए, एक थोड़ा ड्राई हो जाए, नहीं तो पानी पानी रहता है नमक छोड़ने के बाद। तो ये और ये मैंने मिर्च पीस के रखी हुई है। और यहाँ पे अभी इतनी मिर्च बची है, ये देखो आप इतनी मिर्च यहाँ पे बची हुई है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और यहाँ पे ये चीनी का कट्टा भी है, ये तो इसका चास अभी नहीं बनाया, बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पे और करेले का अचार मैंने पीछे रख दिया है, जहाँ पे हमारा सेटअप लगा हुआ है वहाँ पे हमने रख दिया है। तो मैं अभी वहाँ पे भी लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे नींबू और गोभी, तो माँ भी स्कूल से आ चुकी है और तो माँ भी अभी स्कूल से आ गई है और रुद्री अभी गुरुजी के साथ आएगा। तो पीछे लेके चलता हूँ जहाँ पे मैंने गाजर का अचार रखा हुआ है और परसों हमने जूस बनाया है तो जूस वहाँ पे रखा हुआ है। चलो आपको ले चलते हैं पीछे वाले कमरे में। तो यहाँ इसमें रखा हुआ है माल्टे का जूस, ये देखिए। और इसमें है टिमला और इसमें है करेले का अचारी वाला, देख सकते हैं। और इसमें है ये गुलाब का जूस और इसमें हमने कर रखी है गाजर स्टोर, ये देखिए आप। तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी 1% की कोई फफूंद नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये गाजर स्टोर है, इनमें भी अचार है, ये मिर्ची का अचार कुछ तैयार है, हमारी लेबलिंग भी आ चुकी है। तो ये आप, यह है कैमोमाइल जो कि एक चाय होती है और हर्बल टी कह सकते हैं इसे, और बिल्कुल नेचुरल है। और ये हमारा माल्टे का जूस और ये 5 लीटर की बोतल, तो जो हमारा ब्रांड नेम है वो है रिधिमा एंटरप्राइज। और यहाँ पे ये तिमले का अचार 1 किलो के
पैकिंग में। तो हमारी तैयारी अब हो चुकी है कथा में जाने के लिए, और सामान हमारा चला गया जो कि हमने गाड़ी में पैक करके भिजवा दिया है। और अब मैं और अंकित जा रहे हैं, तो तार का बंडल यही छूट गया था और अंकित बाइक निकाला था, हम दोनों बाइक से जा रहे हैं। तो सामान हमने भेज दिया करीबन 15-20 मिनट पहले। तो यहाँ पे गाड़ी अंकित निकाल रहा अभी बाहर, ये देखिए। और ये हमारे घर का नज़ारा, बादल लगे हुए हैं। चलते हैं और मिलते हैं आपको चौबट्टा खाल में। तो नहीं भाई, यहाँ पे सामान पहुँच चुका है और ये लोग लेके जा रहे हैं।